मॉर्निंग बच्चों, आज गेम्स के पीरियड में मैं फुटबॉल के बारे में बताऊंगा। फुटबॉल, ये बच्चों फुटबॉल का वेट होता है 350 ग्राम, मान के चलिए 370 तक उसका वेट रहता है। ये बच्चों पैर से खेला जाता है और बहुत टफ गेम है। इसको खेलने के लिए बच्चों स्प्रिंट की बहुत जरूरत रहती है। जैसे एक 100 मीटर का स्प्रिंटर 100 मीटर को कवर करने के लिए पूरा स्पीड में जी जान लगा देता है, उसी तरह फुटबॉल में भी 100 मीटर का स्प्रिंट लेना पड़ता है, क्योंकि बॉल कब कहाँ चली जाए, कब गोल के टारगेट में जाए। तो बच्चों इसको हम तीन भाग में बांटते हैं। पहला तो बच्चों कीपर को तो अनिवार्य है। ये पोल जो है आपका, ये कीपर है, मान लीजिए कीपर वहाँ रहेगा। उसका बच्चों पहला है डिफेंड में चार डिफेंड है, राइट आउट डिफेंड, मिडिल डिफेंड एंड लेफ्ट आउट डिफेंड। उसके बाद आपका मेन डिफेंड आगे रहेगा। दूसरा बच्चों सेंटर मेरे अनुसार, मैं इतने दिन से कोचिंग दे रहा हूं, मेरे अनुसार जो सेंटर रहता है, सेंटर जैसे फुटबॉल का जड़ है, और जैसे शरीर में मेन हमारा क्या है, कमर, उसी तरह फुटबॉल में मेन कमर कौन है, सेंटर। सेंटर का गेम बहुत टफ होता है बच्चों, इसमें स्टेमिना का आनी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि सेंटर जो होता है वो पूरा फील्ड से बॉल को कलेक्ट करता है और फॉरवर्ड को देता है, फॉरवर्ड उसको आगे ले जाकर के गोल में परिवर्तित करता है। तो उसमें भी लेफ्ट आउट, राइट आउट, मिडिल, सेंटर हो गया, उसका फॉरवर्ड, लेफ्ट आउट, राइट आउट और मिडिल, ये डिफेंड का काम है। बड़ी डी, छोटी डी और हाफ सेंटर तक खेलना और रक्षा भी करना गोल का, और उसके बाद कीपर भी रक्षा करता है। उसके बाद ये बॉल को निकालते हैं किसको, सेंटर को, सेंटर फॉरवर्ड को निकालता है, फॉरवर्ड गोल में लेता है। हाँ बच्चों, चलिए ये तो आप मैन के बारे में जान गए, प्लेयर्स कैसे क्या क्या पोजीशन रहता है। अब हम जानेंगे कि स्किल, हम मेन क्या है स्किल। हम ऐसा सोचते हो ना कि वैसे तो बच्चों को भी बॉल दे दीजिए तो खेलने लगते हैं, लेकिन सही तरीके से स्किल के साथ खेलने, जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो स्किल के साथ खेलता है। जैसे पहला हमारा ड्रिबलिंग, बच्चों ड्रिबलिंग कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहला बच्चों वन लेग ड्रिबलिंग एंड टू लेग ड्रिबलिंग। फर्स्ट स्किल क्या है, वन लेग ड्रिबलिंग, टू लेग ड्रिबलिंग। वन लेग ड्रिबलिंग में इनसाइडर ड्रिबलिंग, आउटसाइडर ड्रिबलिंग, जैसे इनसाइडर ड्रिबलिंग, आउटसाइडर ड्रिबलिंग, इनसाइडर ड्रिबलिंग, आउटसाइडर ड्रिबलिंग, ये वन लेग। इसी तरह लेफ्ट लेग से भी करना है, आउटसाइडर ड्रिबलिंग, इनसाइडर ड्रिबलिंग, आउटसाइडर ड्रिबलिंग, इनसाइडर ड्रिबलिंग। बच्चों मैं आपको जेवलिन पे बता देता हूँ, पहले इसका एक एक्सरसाइज मैं दिखा देता हूँ, एक्सरसाइज कैसे करेंगे। चलो बच्चों आपका पोजीशन है, कैसे आपको कॉम्बिनेशन करना है। अब जैसे ड्रिबलिंग, हमको वन लेग में इनसाइड आउटसाइड ड्रिबलिंग करना है, कैसे, ये देखिए आउटसाइड ड्रिबलिंग, इनसाइड ड्रिबलिंग, आउटसाइड ड्रिबलिंग, इनसाइड ड्रिबलिंग, आउटसाइड ड्रिबलिंग, इनसाइड ड्रिबलिंग, आउटसाइड ड्रिबलिंग, इनसाइड ड्रिबलिंग। बच्चों इनसाइड ड्रिबलिंग, आउटसाइड ड्रिबलिंग, इनसाइड ड्रिबलिंग, ये बच्चों आपका उसका टू लेग ड्रिबलिंग, ये
वन लेग जैसे लेफ्ट एंड राइट, उसका टू लेग में कैसे आएंगे बच्चों? देखिए ये बच्चों डिबलिंग आपको समझ में आ गया। उसके बाद है पासिंग। जैसे बच्चे मान लीजिए प्लेयर, तो पासिंग करने का तरीका देख लो बच्चों कैसे है। अगर बॉल के बीच में मारते हैं तो बॉल जमीन को चिपक के जाती है, और बॉल के नीचे मारते हैं तो बॉल उठ के जाती है। जैसे बॉल के बीच में मैं और रेड वाले प्लेयर को दे रहा हूं, ये रेड वाले प्लेयर के पास बॉल गई, ये जमीन से पकड़ के गई। अब बच्चों बॉल को देखिए, बॉल उठ के भी जाएगी। अब जब बॉल के नीचे मारेंगे बच्चों तो बॉल उठ के जाएगी। जैसे ये देखिए बच्चों पासिंग हो गया। पासिंग में बच्चों टू मैन पासिंग, थ्री मैन पासिंग ये रहता है। अब ये वीडियो में जब तक प्लेयर्स न रहे मैं बताने में थोड़ा असमर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मैं अकेले वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसलिए आप जान लीजिए, जब आप फील्ड पे आएंगे बच्चों मैं आपको समझा दूंगा। ये पासिंग हो गया। उसके बाद बच्चों टॉकलिंग, रिसीविंग कैसे बच्चों मैं दिखाता हूँ आपको। रिसीविंग दो प्रकार की होती है, ठीक। पहला है थाई रिसीविंग, बॉल आई थाई रिसीविंग, देखिए मैं यही रिसीव कर लिया, इसको बोलते हैं थाई रिसीविंग। और बच्चों दूसरा है चेस्ट रिसीविंग, बॉल ऊपर आती है, देखिए ये चेस्ट रिसीविंग हो गया। उसका बच्चों टॉकलिंग क्या होता है? टॉकलिंग जैसे ये तो रिसीविंग है, थाई रिसीविंग है, ये स्पंज की आप ये रिसीविंग है। उसका मान लीजिए अगर तीनों रिसीविंग आप नहीं कर पा रहे हैं तो टॉकलिंग का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए बॉल आई, ये टॉकलिंग, ये बॉल आई, ये टॉकलिंग, ठीक। ये आप सबसे आसान तरीका है। उसके बाद बच्चों पासिंग हो गया, उसके बाद रिसीविंग हो गया, डिबलिंग हो गया, उसके बाद आपका है थ्रोइंग में बच्चों कभी भी आप देखते हैं कि जो जब हम बाउंड्री के आउटलाइन बाहर बॉल चली जाती है तो रेफरी द्वारा थ्रो इन दिया जाता है। थ्रो इन करने के लिए बच्चों हम पैर को उठाना नहीं है, ये अगर आप फेंकते हैं, कई बच्चे देखते हैं हम ऐसे फेंकते हैं, ये नहीं फेंकना बच्चों। आपको थ्रो इन कैसे करना है? ऐसा करना है कि पैर अंदर रहे। जैसे ये देखिए, ये स्टाइल हेडिंग हम देखेंगे, लेफ्ट हेडिंग, राइट हेडिंग और फ्रंट हेडिंग। फ्रंट हेडिंग बच्चों बॉल आती है ये बात, फ्रंट हेडिंग ये इसका प्रयोग होता है, और साइड हेडिंग में क्या करेंगे, बॉल को ये मान लीजिए ये चीज है। ये बच्चों ये लेफ्ट हेडिंग हो गया, ये राइट हेडिंग हो गया, और ये फ्रंट हेडिंग हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका लास्ट स्किल है गोल कीपिंग आपका लास्ट है। अब गोल कीपिंग में क्या मेन ग्रिप दिखाएगा, ठीक। ये बॉल आती है, ये देखिए ये ग्रिप, ये बॉल ये ऊपर गई, ये कभी बच्चों बॉल ऊपर जाती है, बॉल को रिसीव करके इसके बाद ये आएगी, ताकि हम बॉल को सही से पकड़ सकें। क्योंकि बॉल अगर छूट गई तो आपका अगेन जो खिलाड़ी है आपको गोल में परिवर्तित कर सकता है। उसका बच्चों शूटिंग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। शूटिंग कई तरह के होते हैं,
जैसे बी गेम का शूटिंग लेने के लिए इन स्टेप किक का प्रयोग किया जाता है। इन स्टेप किक बच्चों क्या होता है, इससे एक मीटर के आसपास दूरी बनाएंगे और कम आधा मीटर, और पैरों को ये पोजिशन में देंगे। देखिए इन स्टेप किक ये ठीक है। कॉर्नर किक लेते हैं, कॉर्नर किक में चीफ शॉट का प्रयोग करते हैं। चीफ शॉट हवा में फिर नीचे दबते हैं। ये आपका बच्चों शूटिंग होगा, शूटिंग और भी कई प्रकार है, मैं आपको फील्ड में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।